अस्सलाम वालेकुम, मैं मदरसा मौलाना आज़ादा पर प्राइमरी स्कूल की हिंदी की टीचर। आज हम कक्षा सेकंड क्लास का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऊँट चला। ऊँट चला एक कविता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता ढुलता ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊँची गर्दन ऊँची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ उठाकर होने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। इस कविता में कवि ने ऊँट के बारे में बताया है कि ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता ढुलता ऊँट चला, यानी ऊँट चलता है तब वो हिलता उठुलता रहता है, इतना ऊंचा ऊँट चला यानी ऊँट की ऊंचाई लंबाई में ज़्यादा होती है, इसलिए ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊँची गर्दन ऊँची पीठ, ऊँट की गर्दन भी ऊँची होती है और इसकी पीठ भी ऊँची होती है, जब ऊँट चलता है तो इसकी पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ उठाकर ढोने दो, क्योंकि जो ऊँट है, बालू का मतलब मिट्टी है, तो जब ऊँट चलता है तो मिट्टी में ज़्यादा आसानी से चल पाता है और बोझ उठा कर ढोने में भी काम ले सकता है, क्योंकि नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला, क्योंकि पेड़ ऊँट के पेड़ मिट्टी में नहीं धंसते हैं, उस पर वो आराम से चल सकता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, जब ऊँट बोझ होकर काम कर लेता है तो वो जब वो बैठता है तो किस तरफ बैठता है, किस करवट से बैठता है, ये किसी को नहीं पता, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। इस कविता को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।